Let us see further. At this, the father raised his hook and snapped a faggot man. He piled his work and Lucy took the lantern in her hand. This stanza continues the story from the original speaker point of view. He says that the father returned to his work as Lucy went out with the lantern in her hand. He again went back to work as Lucy went out to search her mother. So till here we know now कि उसके father भी हैं, father ही speaker हैं और Lucy lantern लेके अपनी मम्मी को ढूंढने चली गई है बहुत खुशी खुशी. Next line, not blither is the mountain row with many a wanton stroke. Her feet disperse the powdery snow that rises up like smoke. This stanza describes Lucy as walking along slowly and carelessly. आराम से slowly slowly चल रही है, kicking up the powdery snow, और उसके पैर से जो स्नो है, स्नो पाउडर वहाँ पे मतलब एरिया ठंड वाला है तो उससे जो है वो स्नो को किक करती हुई जा रही है, फैल रहा है. शी वॉक्स एंड वॉचिंग इट्स राइज लाइक स्मोक, और वो जो स्मोक पे जब किक लगती है तो वो स्मोक की तरह धुएं की तरह फैल जाता है. दीज डिस्क्रिप्शंस ऑफ लूसी हेल्प टू कंटिन्यू टू पेंट अ पिक्चर ऑफ अ स्वीट एंड इनोसेंट. इससे पता चलता है बिल्कुल इनोसेंट बच्ची है, बहुत प्यारी सी है, और जितना वो जितना भी वो ऐसे केयरलेस होके चलेगी उतना ही उसका इनोसेंस इससे पता चलेगा. द मोर द रीडर गेट्स टू नो लूसी द मोर ही फील्स एंग्शियस. इस तरह पोयम को लिखा गया है. द पोयम इज बीन डिस्क्राइब इन सच अ वे. जितनी पोयम में हम आगे बढ़ेंगे हम और ज़्यादा एंग्शियस हो जाएंगे और ज़्यादा क्यूरियोसिटी हमारे अंदर पैदा होगी कि और पता चले कि लूसी है क्या. बिकॉज द स्पीकर हैज़ प्रीवियसली स्टेटेड दैट शी इज़ टू बी सीन नो मोर. उसके बाद वो दिखाई नहीं दी, वो कहाँ चली गई, ये भी तो अभी हम लोगों ने पोयम में पढ़ा था. सो द इमेज ऑफ अ लिटिल गर्ल डूइंग हर एज अ फादर आस्क्ड किकिंग अप स्नो एज शी वॉक्स सर्व्स टू अटैच द रीडर्स टू लूसी. कि कहना मानने वाली ओबीडियंट चाइल्ड है, उसके फादर ने कहा अपनी मदर को जाके ढूंढो तो वो ढूंढने चली गई है. इससे हम लोगों को क्या हो रही है, द रीडर्स आर गेटिंग मोर एंड मोर क्यूरियोसिटी, मोर एंड मोर एंग्शियसनेस टू नो मोर अबाउट लूसी.